गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज का व्लॉग बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही स्पेशल है। मैं सुबह से सोच रही थी मैं अब व्लॉग स्टार्ट करूँ, मैं अब व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और मतलब ये सारी चीज़ें मैं बहुत मतलब मैं नहीं बोल पाती हूँ, कैमरे पर नहीं कर पाती हूँ। और सेम वही हाल ऐसा कि मैं शुक्ला जी के सामने भी अपनी वो वाली या जो पर्सनल फीलिंग का है ना, मैं मतलब जब बहुत ज़्यादा डीप में होती हूँ तभी से रो रो के भले उनसे कह लूँ, बट मेरे से नहीं होता है। तो अभी मैं मतलब अपना काम करे जा रही थी, मैंने नहा वहा लिया सब कुछ, फिर अभी शुक्ला जी गए हैं थोड़ा बाहर काम से, तो मैंने सोचा कि अभी व्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ। तो व्लॉग का मतलब स्पेशल ऐसा है कि टाइटल से तो आप लोगों ने जान ही लिया है। तो आज शुक्ला जी जा रहे हैं 1 महीने के लिए बाहर, कुछ इम्पोर्टेंट काम है उनको, 1 महीने का पूरा काम है, पूरे 30 डेज का। और काम नहीं बता सकती मैं आप लोगों को उनके काम के रीजन की वजह से। मामा, हाँ बेटे, मामा, फनी पानी लो। फैल गया, हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं आता हूँ। चलो तो इसीलिए, और ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इन 5 सालों में जब से हम लोग शादी हुई है, हम लोग कभी भी मतलब 1 महीने के लिए दूर नहीं रहे हैं। हम लोग घर भी जाते हैं क्योंकि हम लोग घर से ऑब्वियसली दूर रहते हैं, व्लॉग में पता लग जाता है तुम लोगों को। तो साथ जाते हैं, साथ आ जाते हैं, या कभी 1 आध दिनों के लिए, कभी इनको बाहर जाना पड़ जाता है, तो मतलब 1-2 दिनों के लिए चलता है। और साथ जाते हैं, साथ आते हैं, तो मतलब ऐसे सेपरेट नहीं रहते हैं कि मैं अलग ले रही हूँ। एक बार, हाँ एक बार हुआ था जब हमारी नई शादी हुई थी, तो एक बार हुआ था इनको जाना पड़ा था 17 डेज के लिए, 70 डेज के लिए। तो वो मेरे लिए काफ़ी हार्ड, काफ़ी टफ थे, लेकिन तब भी वो 17 दिन थे। इस बार तो पूरे 30 दिन हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि ये 2023 और ये जो मेरे पास 1 महीना मुझे मिला है, मतलब इसमें मेरे को स्ट्रांग होना है अंदर से भी और बाहर से भी। मैंने इन 5 सालों में अपने ऊपर काफ़ी सारा काम करने की कोशिश की है, मैं बाहर से बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, लेकिन अंदर से मतलब ऐसा है कि मेरे को कोई ऐसे टच कर देता है ना, मतलब टच करने से ऐसा। सोना शोर मत करो राजा बेटा, 1 मिनट शांत रहो, ठीक है? तो मतलब अगर मेरे को कोई छेड़ दे, कोई इमोशनल बात कोई मुझे छेड़ दे, तो मेरा मतलब ऐसे पपक पपक के रोना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बाहर से तो लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, हाँ मैं अकेले रह लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, लेकिन अंदर से भी मैं बहुत इमोशनल हूँ। जिन लोगों ने मेरा इमोशनल वाला रूप देखा है कहीं ना कहीं वीडियोज़ में, छोटा मोटा, अगर वैसे मैं नहीं पोस्ट करती हूँ तो उनको पता होगा, लेकिन हूँ मैं यार अंदर से बहुत इमोशनल हूँ। लेकिन इस बार मैंने 2023, मेरा बहुत सारा मोटिव है, मेरे को बहुत स्ट्रांग होना है अंदर से भी और बाहर से भी, और मतलब काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। तो मेरे को ये जो 1 महीना मिला है, मतलब प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको अपॉर्चुनिटी में बदलूँ। जो जो काम मैंने कभी नहीं किए हैं, मैं सोच रही हूँ वो काम इस 1 महीने में मेरे को करने हैं, सीखने हैं, खुद थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनना है। ये सब चीज़ें खुद को बोल करके खुद को थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं रह सकूँ, क्योंकि अभी सोना भी बड़ा हो रहा है। एनीवे चलो, ये सब बातें मैं कभी करूँगी तो देखा जाएगा। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, आज 2 चीज़ें होने वाली हैं। एक तो शुक्ला जी जा रहे हैं, वो अलग है, 1 महीने के लिए आ जाएंगे, ऊपर से स्त्री भी जा रही है, आज शुक्ला जी जा रहे हैं। सोना मत करो शोर 2 मिनट के लिए, ठीक है? तो शुक्ला जी 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो दुल्लू तो आ जाएगा 1 महीने में, लेकिन श्री जा रही है, श्री के हस्बैंड का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। मतलब हम लोग यहाँ रहते, जहाँ सब लोग से अपनी अपनी जॉब करते हैं, तो भैया का ट्रांसफ़र अभी कहीं और हो गया है, वो तो मतलब अब तो गई, वो तो नहीं आएगी। हम लोग का भी आना जाना होता रहेगा, वो बात अलग की है, लेकिन उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो कल वो जा रही है, तो वो एक अलग सा दुख है मेरे लिए कि वो भी जा रही है। वो मेरी एक अच्छी फ्रेंड है बहुत, तो वो भी जा रही है, तो मुझे दो दो लोगों को इसे विदा करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें चलेंगी अभी 1-2 दिनों में। चलो फिर हम लोग अपने इस ब्लॉग को अब स्टार्ट करते हैं। पता नहीं मैं कितना कर पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी, तो मुझे भी बहुत सारा काम है, मैं देखती हूँ, ठीक है? मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। यहाँ पर मैंने दुल्लू को टिफ़िन बना के दिया है। पहले एक बार मैंने खाना बनाया था हम लोगों के खाने के लिए, फिर एक बार मैंने सूखी सब्जी बनाया पैक करने के लिए, फिर यहाँ पर मैं चाय बना के दे रही हूँ। दुल्लू बोला चाय मेरे को बना करके दे दो एक बार, मैंने यहाँ चाय बना करके दिए।
थोड़ी ठंडी सी हो गई होगी घर की। चीयर्स। तुमने लाया अपने लिए? मैंने पीऊंगा। क्यों? तुम पी लो आखिरी बार मेरे हाथ की चाय, फिर एक महीने बाद फिर से पियेंगे। लेकिन वहाँ चाय ज्यादा पीऊंगा नहीं मैं, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी चाय मिलेगी नहीं और दूसरी बार फुर्सत नहीं मिलेगी चाय पीने की। हाँ, जब फुर्सत नहीं मिलेगी तो फिर क्या। ठीक है, आगे खट्टे पियेंगे। ठीक है, कैसी है? कड़क चाय, कड़क कड़क चाय। रेडी खाना पीने का है? पानी की बोतल। पानी का क्या करें हम? पानी की एक बोतल तो ले लो, कम से कम छोटी वाली, नहीं तो बड़ी। दुल्लू की पैकिंग हो गई है, बैग पैक हो गया है, अब एक महीने के लिए जा रहा है तो इतना बड़ा बैग तो चाहिए था। और बैग देख देख करके मुझे और रोना आ रहा था, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी। हाँ, मैं रेडी हूँ, आ जाओ। ओके, रहे बेटा, डैडी इज गोइंग। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमन बनोगी, सोलो ट्रिप जाएगा मेरी सीधा गोवा बैंकॉक। आज तुमको एक मैं मुंजड़ी बनाई थोड़ी सी, छोड़ दिया रेडी चल लिया याद करूंगा, रोज सुबह टू बार याद करूंगा, रोज शाम को याद करूंगा। दुल्लू के जाने पे तो मैं बहुत कम रोई थी, बट उसके जाने के बाद मैं बहुत रोई हूँ, मुझे इतना रोना आ रहा था। उसके बाद तो मैंने व्लॉग ही नहीं किया, जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और मैं अब रोती बहुत कम हूँ। तो मेरी आँखों में इतना जलन हो रहा था, इतनी बर्निंग हो रही थी, और जब जब मैं रोती हूँ ना मेरा साथ देता है सोना, मुझे चुप कराता है, मम्मा चुप हो जाओ, मम्मा क्यों रो रहे हो, मम्मा क्यों रो रहे हो। तो ये मेरे पास ही रहता जब तक मैं अगर रोती रहती हूँ। तो बस यहीं तक था ये व्लॉग। उसके बाद मैंने दो दिनों तक कैमरा नहीं उठाया, मेरा मन ही नहीं हो रहा था, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब मिलती हूँ आपको किसी हैप्पी व्लॉग में जल्दी, सब तक के लिए बाय।